कोणार्क अपना शहर अपनी बात। एक बार जिस तरीके से आप परिस्थिति को देख रहे हैं शहर में, दिन ब दिन जो है परिस्थिति बिगड़ते जा रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि संक्रमण की चेन को कहीं ना कहीं रोका जाए। 2 जुलाई से जो है लॉकडाउन घोषित किया गया था ताकि संक्रमण की चेन टूटे, लेकिन उसका भी जो असर देखने को नहीं मिला। 12 जुलाई हो गए, उसके बाद लॉकडाउन को फिर से 22 जुलाई तक कर दिया गया। शहर एक व्यापारिक शहर है, उसकी परिस्थितियों में अगर नजर डालें तो काफी इसमें गुत्थागुत्थी नजर आती है। हर तरीके से जो है बीमारी को ले ले या फिर व्यवसाय को ले ले या फिर कुछ अन्य समस्याओं को ले ले, पूरी तरीके से नागरिक त्रस्त है। किस तरीके की परिस्थिति है, किस तरीके की जो हालात है व्यापारियों की व्यवसाय को लेकर, हमारे साथ दिनेश लहरानी जी है, जींस व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, यूटीए से जुड़े हुए हैं। एक स्टेटमेंट आपका भी जो है हाल ही में आया था कि कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही जो है सक्षम नहीं है, उसके लिए भी कुछ पराए प्रशासन को सोचना चाहिए, तो किस तरीके की चीज को लेकर आपने बयान दिया? कुणाल जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा, जो हमारे आदरणीय नेता हैं श्री ओमी कालानी जी, हम लोग उनके साथ एक जूम ऐप पर मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने एक शहर को आह्वान किया था सभी व्यापारियों को कि हम लोग सेल्फ लॉकडाउन करते हैं। तो उस सेल्फ लॉकडाउन में हमें व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिला, व्यापारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और पूर्ण दुकान हमें समर्थन दिया। अचानक से फिर दूसरे दिन कॉरपोरेशन अधिकार UMC कमिश्नर का ऑर्डर आता है कि 2 से 12 तारीख तक लॉकडाउन किया जाए। हमें उसमें भी व्यापारियों का भरपूर समर्थन मिला। वो क्यों था कि हमें इस कोरोना वायरस की चेन ब्रेक करनी है, लेकिन हमको उसमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रही है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि व्यापार बंद करने से कोरोना के केसेस पर नियंत्रण या कंट्रोल नहीं रखा जाएगा। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, दुकानें और बाजारें बंद करने से बेहतर है प्रशासन को जो फैसिलिटीज है, मेडिकल ऑक्सीजन, आज आप भी देख रहे हैं शहर में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, एम्बुलेंस की कमी है, एक पेशेंट जो संक्रमित है या सस्पेक्टेड है या पॉजिटिव है, वो हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए कम से कम उसको 2 से 4 घंटे 6 घंटे भटकना पड़ रहा है। तो पेशेंट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक रहा है, तो ये बीमारी काफ़ी फैल रही है। तो मेरा प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम भी प्रशासन के साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि प्रशासन अभी इतना सीरियस लें कि जो ये यंत्र हैं इनको बढ़ाया जाए, बेड्स बढ़ाए जाएं, डॉक्टर्स बढ़ाए जाएं और ऑक्सीजन की जो कमी है उनको फुलफिल किया जाए, न कि बाजारें बंद की जाए। लहरानी जी, आपने काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बातें कही है, क्योंकि शुरुआत से भी मेरा भी यही कहना है कि यंत्रणा को जो है कहीं ना कहीं मजबूत करें, क्योंकि आज जिस तरीके की जो परिस्थिति है, लोग जो उपचार नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं जान गंवा रहे हैं, अपनी हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है लेकिन वो कोशिश नाकाम नजर आती है। शहर के नेताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि शहर के नेताओं को अस्तित्व जो मिला है वो शहर से मिला है, और अगर शहर ही नहीं रहेगा तो अस्तित्व किस तरीके से रहेगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके भी जो है राजनीति बहुत होती है। देखिए, मेरी शहर के सभी नेताओं से एक विनंती है कि शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया कि हम कुछ अपने शहर को दें। देखिए, शहर रहेगा तो हम रहेंगे। इस मुद्दे पे हमारे टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष ओमी कालानी जी ने भी काफी बार कहा है, हमने भी कहा है कि इस मुद्दे पे राजनीति छोड़ के हमें प्रशासन को हेल्प करके और इस महामारी से हमको शहर को बचाना है, शहर बचेगा तो हम बचेंगे। तो इस मुद्दे पे मेरी फिर से एक बार सभी व्यापारी नेतागण और हस्तियों से, व्यापारी अध्यक्षों से, कि राजनीति न करके खुल के एक मंच पर आए और हमारे शहर को इस महामारी और कोरोना जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी से बचाया जाए। लहरानी जी, एक चीज यहाँ पे जो है, जिस तरीके से जो हालात आज चल रहे हैं, शहर का व्यापारी जो है व्यापार से पूरी तरीके से मार खा चुका है, व्यापार ठप हो चुका है, वहीं पे उपचार के लिए यदि जाए तो उपचार के लिए भी काफी रकमों की भी जरूरत पड़ रही है। एक जगह से तो व्यापार नहीं है, एक जगह से इनकम नहीं आ रही, मिडिल क्लास की तो और हालत खराब है, वहीं गरीब तबके की बात करें तो उनके लिए तो परिस्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसा सोचा होगा कि किस तरीके से नीति बनाई जाए या फिर प्रशासन के साथ बैठे प्रशासन को कुछ राय दी जाए ताकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, व्यापारी संगठन द्वारा या फिर व्यापारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ कुछ बातचीत या फिर कुछ प्लानिंग होगी? देखिए कुणाल जी, कल ही जैसे लॉकडाउन बढ़ने के मैसेज आए तो हमारी बात हमारे प्रमुख ओमी कालानी जी से हुई, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमें पता है कि ग्राउंड लेवल की क्या स्थिति है। आज सवेरे से कम 5 लोगों के फोन आए हैं जिनको बेड तो अरेंज हो गया लेकिन पैसे भरने के लिए नहीं है। तो ओमी कालानी जी से भी हमारी बात ही, तो जल्दी टीम ओमी कालानी और UTA का एक शिष्टमंडल
कमिश्नर साहब से मिलेगा और ये दुकानें खुलेगी, कुछ व्यापार होगा तो कुछ पैसे आएंगे तो हम इलाज करवा पाएंगे। आज ये बीमारी घर घर तक पहुंच चुकी है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, लॉकडाउन एक संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं है। ट्रेसिंग, चेसिंग और आइसोलेशन, हमको जो पेशेंट आ रहा है तो उसको जल्द से जल्द आइसोलेशन करना चाहिए ताकि बीमारी का चेन यहीं टूटे। तो मेरी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि लॉकडाउन को खोला जाए, कुछ व्यापार होगा, लोगों की कुछ कमाई होगी। हम भी व्यापारियों को ये सलाह देंगे कि हमको जो गाइडलाइंस होगी सरकारी, सोशल डिस्टेंस फॉलो करना है, मास्क फॉलो करना है, जो भी होगा हम फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ धंधा होगा तो कुछ पैसे कमाएंगे तो इसमें हम इलाज कर सकते हैं, नहीं तो बाकी गरीब और मिडिल क्लास लोगों की काफ़ी हालत भयानक है। तो मेरी यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द दुकानें और बाजार खुलवाई जाए। लेकिन दिनेश लेरानी जी, एक और जो है, हाल ही में जब लॉकडाउन पहले हो रहा था तो उसके पहले सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा यूटीआई ने की थी और जो है दुकानें भी बंद करने की अपील की थी सेल्फ लॉकडाउन के बाद, उसके बाद प्रशासन ने जो है लॉकडाउन घोषित किया था। उस समय ये कहना था यूटीआई का कि दुकानें बंद की जाए ताकि संक्रमण की चेन खुल जाए, लेकिन अब जो है यूटीआई ये कह रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं खत्म हो गया, लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा, ऐसा क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि सबके मन में रहेगा। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे जो प्रमुख थे ओमिकानंद जी ने, उन्होंने एक क्लियर कर दिया था कि हम लोग जो सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं एक ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं और वो ट्रायल हम लोग ले चुके। जब ही हमारा सेल्फ लॉकडाउन हम लोग ने किया था वो टाइम पे आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा कि शहर में 100 से 125 केसेस डेली आ रहे थे। लॉकडाउन करने के बाद ये ग्राफ बढ़ते गए तो इससे ये क्लियर हो गया है कि लॉकडाउन करने से केसेस बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इतना ही क्लियर हो गया कि दुकानें खुलने से केसेस बढ़ नहीं रहे। तो मेरा आपसे ये और प्रशासन से यही क्लियर रहेगा, लॉकडाउन करना जरूरी था, हमने वो किया, ट्रायल हुआ लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें अभी लॉकडाउन करने के बजाय प्रशासन को जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको बढ़ाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।